बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम स्टूडेंट यू आर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम टू सुपर बैच ऑफ एपॉक्साइड। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 हम 2 या 3 दिन पहले अपलोड कर चुके हैं। मैं कुछ बाहर चला गया था, इस शहर में नहीं था, तो बच्चों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो जब दोबारा आ चुके हैं एपॉक्साइड को लेके, तो बच्चा पहले तो हेडिंग लगा लीजिए हमारे टॉपिक की, एपॉक्साइड, तभी आगे चलने का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। तो बच्चा पार्टी एपॉक्साइड देखो, फिर आज आपको एक बात और बताता हूं। लिख लीजिए बच्चा एपॉक्साइड को एक बार। पूछो पार्टी, कई बार आप ये कहते हो सर आप बीच में गायब हो जाते हो। बेटा गायब नहीं होता, तो सामने रिकॉर्डिंग चल रही है। कई बार क्या होता है कि कैमरा ना अपने आप ऑफ हो जाता है, तो उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि कैमरा ऑन चल रहा है, वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। कई बार वीडियो बनते बनते अपने आप बलरिंग भी आ जाती है। कई बार क्या होता है वीडियो रुक जाती है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहीं पर दिखता रहूंगा और तो वीडियो पूरी हो जाएगी। तो कुछ चीजें चेक मुझे करनी पड़ती है, इसलिए मैं कोई भी चीज लिखने के बाद एक बार पीछे जरूर जाता हूँ, ठीक है? तो बच्चा पार्टी आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बैच, जहां पर हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एपॉक्साइड। 3 ही मेथड है और तीनों बड़े ही सिंपल मेथड है। उससे पहले बच्चा पार्टी वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। और बच्चा पार्टी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और फिनोल हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चा पार्टी। तो वीडियो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकते हैं। बच्चा लगा लीजिए पहली हेडिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूं एपॉक्साइड बनाने के तरीके की, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल मेथड होगा हमारा, फ्रॉम विसिनल हेलोहाइड्रिन क्या होगा बच्चों? विसिनल हेलोहाइड्रिन से आप कैसे एपॉक्साइड बनाओगे? पहली बात तो बच्चा पार्टी ये है, विसिनल हेलोहाइड्रिन। तो बच्चा होती क्या है विसिनल, यानी पड़ोसी कार्बन, तो दो कार्बन जिस पर बच्चों एक कार्बन पर OH ग्रुप होगा और दूसरे कार्बन पर Cl ग्रुप होगा, यानी कि बच्चों हैलोजन ग्रुप होगा। हाइड्रिन का मतलब यहाँ पर हेलोहाइड्रिन, हेलो हैलोजन हाइड्रिन OH ग्रुप के लिए, ठीक है? तो देखिए बच्चा पार्टी क्या रिएक्शन होगी या इसका मैकेनिज्म होगा, दोनों बहुत सिंपल है और आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? देखिए बच्चा पार्टी होगा क्या, ऐसा आपके पास होगा यहां पर R ग्रुप है, दूसरे कार्बन पर CH के ऊपर OH है और यहां पर CH2Cl है। तो बच्चा पार्टी यहां पर हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन कैसे होगी? अब इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है, जो आपके MSc एंट्रेंस जब बच्चा पार्टी आप देते हो तो वहां पर पूछी जाती है। जब आप BSc का एग्जाम दोगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप MSc का एंट्रेंस दोगे तो वहां पर पूछी जाती है। ये जो RCHCH जो हमारा विसिनल हेलोहाइड्रिन है, ये देखिए बच्चों हेलोहाइड्रिन हेलोजन है और साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप है, हाइड्रिन है। तो बच्चा क्या नाम दिया? विसिनल, अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर OH और Cl है। और बच्चा OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में कैसे ये रिएक्शन शो करेगा, क्या कुछ बच्चा पार्टी यहाँ पर बनेगा? तो पहले तो आप वो देख लीजिए कैसे बनेगा, फिर बच्चा पार्टी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल सिंपल सी कहानी होगी, OH नेगेटिव बेस होगा, ये OH इस H को लेके जाता है H2O निकालने के लिए, ठीक है? देखिए ऐसा बनेगा CH2। तो बच्चों ये ऑक्सीजन है, जो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रिन वाला है OH ग्रुप वाला ऑक्सीजन, इसका OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं वाटर बनाने के लिए। Cl नेगेटिव भी गायब होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे जाएगा। तो ये तो थी बच्चों इसके एक बेसिक सी रिएक्शन कि आप विसिनल हेलोहाइड्रिन से एपॉक्साइड कैसे बनाओगे। सॉरी बच्चों देखिए, R लिया, CH2 लिया, दूसरे कार्बन पर OH लगाया, तीसरे कार्बन पर Cl लगाया और OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में ये OH नेगेटिव इस H को लेकर बाहर जाएगा। और जाएगा कैसे वो हम देखेंगे बच्चा पार्टी इसके मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में करना क्या है, यहाँ पर R है, ये हमारा CH था और ये CH2 है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर बच्चों बाहर क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब देखिए बच्चों मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, इसको दोबारा लिख लीजिए,
की स्टार्ट तो यहीं से करनी है ना, सीएल को अलग से लिखिए बच्चा पार्टी और इस कोच को बच्चों ऐसे लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बच्चा पार्टी पर इसको नोट कर लीजिए रिएक्शन को, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई ज्यादा महाभारत नहीं करनी मैकेनिज्म के अंदर। ये बच्चा पार्टी यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, पहले ही दो लोन पेयर इसके पास थे, ये लोन पेयर हो रहा है। और बच्चों यहाँ पर रिएक्शन किसको करनी है इसके साथ, OH नेगेटिव को। ये बच्चों यहाँ से निकलेगा बाहर एज एन H पॉजिटिव, तो बच्चों क्या बना लेगा H2O, ये OH नेगेटिव। और ये बच्चा तो H पॉजिटिव, यहाँ से जो H पॉजिटिव जाएगा तो क्या बनाएगा, बाहर निकल के बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा R बचेगा, CH बचा, ये CH2 बचा, ये Cl बचा मेरे बच्चा पार्टी। और यहाँ पर ऑक्सीजन आया नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, ये लीजिए मैं लोन पेयर बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये था बच्चों हमारा पहला स्टेप, क्या किया OH नेगेटिव ने यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लिया, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में फ्री हुआ, इस OH नेगेटिव ने इसको वाटर बना दिया, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर बनाएंगे और हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पर ऑक्सीजन के ऊपर बच्चा पार्टी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इतना हुआ बच्चों, अब आगे देखिए क्या हो सकता है, सोचिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बच्चा भारती। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आप, ये बच्चों आर ऐसे कैसे, ये सी एच ऐसे कैसे, ये सी एच टू ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन का ये मोड था ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब ये जो एक लोन पे एक्सेस आया, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन और CH2 में बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और ये जो Cl है ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इतना मतलब दिमाग में रखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन में तो बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज स्टार्ट होगा, बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड टूटेगा। तो बच्चा पार्टी इतना एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट स्टेप बचता है और यहाँ पर हमारा ये मैकेनिज्म भी खत्म हो जाएगा। कर लीजिए बच्चा नोट एक बार, कर लीजिए बच्चा पार्टी नोट एक बार इसको, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ और कार्बन सीएल के बीच में बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ। तो बॉन्ड टूट रहा है तो टूटने दो ना, क्या जा रहा है ये लीजिए, ये आर ऐसे कैसे, ये सी एच ऐसे कैसे, ये सी एच टू ऐसे कैसे, यहाँ पर तो बॉन्ड था ही, अब ये बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ऑक्साइड और वो सीएल नेगेटिव था वो बाहर निकल जाएगा, ये लीजिए सीएल नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा पहला मेथड, विसिनल हेलोहाइड्रीन से हमने एपॉक्साइड बनाना सीखा, मैकेनिज्म में देखा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी कि बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है वैसे एंट्रेंस में कि जब आप हेलोहाइड्रीन, विसिनल हेलोहाइड्रीन से एपॉक्साइड बनाते हो तो कैसा मीडियम होना चाहिए, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल। तो बच्चा पार्टी इस OH को देख के क्या बताओगे कि मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा। मैकेनिज्म में कुछ है नहीं, OH आएगा और यहाँ से OH से H लेके जाएगा, वाटर बाहर निकाल देगा। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पे एक्सेस होगा, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा और जो Cl वाला बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चों Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और हमारा एपॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका पहला मेथड, अभी दो मेथड और बचते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तब तक क्या करोगे बताओ, सोचो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, आगे दो मेथड और करने हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में ऑक्सीडेशन होगा इथीन का या किसी भी एल्कीन का, कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ऑक्सीडेशन इथीन का सिल्वर की प्रेजेंस में। ये कैसे एपॉक्साइड बनाएगा, पहली बात इसका मैकेनिज्म करना नहीं है, सारी चीजें आपको दे रखी है, देखिए इस लाइट को पढ़िए, ऑक्सीडेशन करना है इथीन का, तो ये लिखिए मेरे बच्चा पार्टी इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ऑक्सीडेशन करना है तो O2, किसकी प्रेजेंस में, सिल्वर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर याद रखने ना, अगर याद रहता है तो 573 केल्विन की प्रेजेंस में। और बना दीजिए इथाइलीन ऑक्साइड, दो CH2 है यहाँ पर, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया आपने। बच्चा हो गई बच्चा फॉर्मेशन, एपॉक्साइड बन गया। कितना आसान था रे बाबा, देखो कितना आसान था। इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, O2 मिला दिया, किसकी प्रेजेंस में मिलाओगे मेरे बेटा, सिल्वर की प्रेजेंस में मिलाओगे लाल बाल गोपाल। और कितना टेम्परेचर रखना है, 573 केल्विन रखना है, तो क्या बन जाएगा, इथाइलीन ऑक्साइड बन जाएगा। तो बच्चा पार्टी दूसरा मेथड ऑक्सीडेशन करना है, इथीन का क्या मिलेगा, एपॉक्साइड मिलेगा, हमारी सिल्वर की प्रेजेंस होगी और 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। कितना आसान था, ऐसे ही डर के बैठे हो BSc से, ठीक है, हो गया ना ये भी, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक बच्चा पार्टी में नेक्स्ट लिखता हूँ, ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका भी। हो गया सर, एक मेथड और बाकी है, वीडियो भी बता होने वाली है। अब है मेरे बच्चा पार्टी एपॉक्सीडेशन, पहली बार सुन रहा है, कैसा वर्ड लिख दिया सर, ऑक्सीडेशन तो सुना था, ये क्या लिख दिया, एपॉक्सीडेशन एल्कीन। क्या होगा रे एल्कीन का रे बाबा, एपॉक्सीडेशन क्या होता है हमें तो नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए क्या होगा एपॉक्सीडेशन, एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एपॉक्सी कुछ दिमाग में आएगा, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं अपने आप दिमाग में आएगा, तब तक हेडिंग लगा लीजिए। इसका एक बहुत ही फेमस नेम है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। एल्कीन ले लिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे सर चलो कुछ तो समझ में आया, अरे एपॉक्सीडेशन करना है एल्कीन का, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या करोगे सर, आगे भी तो बता दीजिए क्या करोगे, आगे आगे भी बता देते हैं मेरे बच्चा, बता दे लिखे फिर बताइए आगे चले। तो ये ले लीजिए मेरे लाल बाल गोपाल, कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, करते हैं इसको। ये लीजिए आर सी डबल बॉन्ड OH लिखते हो ना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा लेना यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है, ये नाराज हो जाएगा वरना, ये पर ऑक्सी एसिड मैंने लिख दिया बच्चा पार्टी, और ऑक्सी एसिड मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरे लाल बाल गोपाल यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेके चले, देखिए आर सी डबल बोन ओ OH एसिडिक एसिड जैसे समय ला रही सर, एसिडिक कार्बोनिक एसिड आपने लिख दिया, यहाँ पर CH3 लगाता था एसिडिक एसिड हो जाता, यहाँ पर मतलब मैंने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, ये हमारा इथीन है। अरे सर आप तो यही बनाओगे ना इससे, ले लीजिए क्या होगा, देखिए CH2 आएगा, CH2 आएगा यहाँ पर सर, आप एक ऑक्सीजन को निकाल के दे दोगे यहाँ पे, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालोगे तो आपको ऐसे मिलता दिखेगा, ये लो सर आपका तो काम हो गया, हमारा क्या होगा हमें भी तो समझा दीजिए। ले लीजिए मैंने क्या किया, इथीन लिखा, एक कार्बोनिक एसिड कोई भी फार्मूला लिखी, उसके अंदर एक ऑक्सीजन एक्सेस कर दीजिए, वो ऑक्सीजन निकाल के यहाँ पे एपॉक्साइड के साथ बॉन्ड बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन, और वहां पर बच्चों हमारा एसिड का मॉलिक्यूल ऐसे कैसे निकल जाएगा। अब बच्चों बात बचती है इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म कैसे होगा, तो बच्चा नीचे ये एपॉक्सीडेशन ऐसे कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो तब बच्चों मैं ऊपर वाला जो ऑक्सीडेशन है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि मैं इसका मैकेनिज्म यहीं पर करवा सकूँ। ले लीजिए बच्चा पार्टी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। तो बच्चा पार्टी अब आइए चलते हैं एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के मैकेनिज्म की तरफ। तो देखिए बच्चा पार्टी कुछ भी नहीं है, ये हमारा CH2 था, ये लीजिए, अरे सर ये कैसा बना दिया आपने, देखा देखा लगता है, तो ये कैसा CH2 बना लीजिए, ठीक है। अब क्या बचता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, देखिए अब इसको लिखने का तरीका है ना बच्चा, ये थोड़ा अलग है, इस परोक्सी एसिड को ना लिखना पड़ेगा बड़े प्यार से, वरना ये नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया ना
तो हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। देखिए बच्चा पार्टी होगा क्या, आर ऐसे का ऐसे, सी डबल बॉन्ड हो ऐसे का ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लीजिए, इसको बच्चा पार्टी कुछ ऐसा करके लीजिए, देखिए आर यहाँ पर हमारा ऐसे का ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे का ऐसे, फिर ओ एच है तो ये ओ ओ एच ये रहा। बच्चा पार्टी मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर आपको जो हमारा एपोक्साइड बच्चों बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O वाला जो हमारा बनेगा, ये मैं आपको सीधा दिखा सकूंगी कैसे बनेगा। तो बच्चा पार्टी का नोट कर लीजिए, सीधा मैकेनिज्म खत्म होने को है, इससे ज्यादा मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप क्या करेंगे, कीजिए क्या करेंगे बताइए ना सर, क्या करेंगे, करें कुछ तो करें। देखिए होगा क्या, ये वाला है जो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ठीक है, जाने दे इलेक्ट्रॉन को, कोई दिक्कत नहीं सर हमें इलेक्ट्रॉन की, जाने दो इलेक्ट्रॉन को। बच्चा ये कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना, तो ये बच्चा एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ठीक है, उसी टाइम क्या होगा जो ये वाला बॉन्ड है ये वाला यहां पर आएगा, तो ये वाला क्या बनाएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, और जो हमारा ये वाला है ये वाला अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन इतना कामयाब आदमी है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस हाइड्रोजन को बाहर भेज देगा। देखिए क्या किया, कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसे इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव आएगा फिर नंबर पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पेपर बच्चों ने इसको लिखा, देखिए ये आर ऐसे कैसे है, ये कार्बन था, यहां पे जो डबल बॉन्ड था ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आया ना बच्चा पार्टी इसके ऊपर, ये लीजिए जो ये वाला कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था ये हमारा कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा और खुद कहां पे चला जाएगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर बच्चा पार्टी क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा पार्टी इसको टूटना था ना, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए सीधा यहां पे अटैक करवा के दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो ये जो एक्स पॉजिटिव यहां से निकलेगा, ये जो एक्स पॉजिटिव होगा वो यहां पे आ जाएगा, ये लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओएच हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा ऐसे कैसे। बच्चा पार्टी यहां पर क्या बना हमारा, CH2 है, CH2 है। देखिए अब ये बात ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना, ठीक है, ये लीजिए एक बॉन्ड और उस कार्बन क्यों तो बनाना ना ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इससे लिए थे ना, जो पहले मैंने यहां पे बनाया था लोन पेयर देने के लिए, दिमाग में रखो, यहां से मैंने यहां पे बनाया था लोन पेयर देने के लिए, अब वो लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेंगे ताकि एक बॉन्ड बनाया जा सके, तब जाके क्या बनेगा, एपोक्साइड बनेगा हमारा। तो ये था बच्चों मैकेनिज्म एपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाना है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां से निकालोगे, पर ऑक्सी एसिड से निकालोगे, और वो कहां पर जाएगा, वो जो होगा ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ओएच ग्रुप वाला, ये वाला ऑप्शन जाता है मैकेनिज्म में हमें पता चला, कहीं ये वाला निकाल दो, दिमाग में रखना है, छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं जो एमसीक्यू आती है आपके एंट्रेंस में। एपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में जो ऑक्सीजन आएगा वो कहां से आएगा, वो बच्चा पार्टी एसिड के ओएच ग्रुप से आएगा। तो ये था बच्चों हमारा एपोक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तीन ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, तीनों बच्चों कवर हो चुके हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वास्ते बच्चा चार केमिकल प्रॉपर्टी यानी चार लेक्चर और बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा पांच बना दूंगा, छह बना दूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी वीडियो पसंद आती है तो कीजिए वीडियो को एक प्यारा सा दीजिए लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, हां सर हमें समझ में आया, कमेंट कर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी टीम भी खुश हो जाती है, हाँ एक कमेंट आया बच्चे ने देखा उसको समझ में आया, बहुत खुशी होती है टीम को कि जो चीज हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो आप तक आ रही है। बच्चा अपना एक ही एम है आपकी केमिस्ट्री इतनी मजबूत हो कि कहीं पर आपको जाने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चे बहुत सारी फीसें देते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, वो भी बच्चों बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत कुछ चीजें लेके आने वाला हूँ। अभी तक तो हमने सिर्फ BSc स्टार्ट की है, एम हमारे बहुत है, बहुत सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे, आपका सपोर्ट होना चाहिए बस हमारे लिए, जितना ज्यादा प्यार आप दोगे उतना ज्यादा हार्डवर्क हम आपके लिए यहाँ पे करते रहेंगे, और बहुत जल्द फर्स्ट ईयर की BSc की ऑर्गेनिक भी मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ,
शायद होपफुली बच्चों एक दो वीक के अंदर हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे और आपके लिए उसके लेक्चर आने डिलीवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर और एंजॉय द डे और पढ़ते रहिए बच्चा पार्टी। जय हिंद। लीजिए बच्चा पार्टी, संदेश छोड़ दे लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।